2020 लाख में हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम यश नर्सिंग एकेडमी से मैं आपका यश नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसे इंट्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो एक नवजात शिशु यानी कि हम जिसको बोलते हैं न्यू बोर्न बेबी, तो उसकी केयर कैसे करी जाए, क्या उसके बारे में केयर करनी है, क्या कैसे करनी है और नर्स का उसमें क्या रोल रहता है, तो वो सब इसके अंदर हम देखते हैं। जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम नवजात शिशु से लेकर उसकी देखभाल की बीमारियों में रक्षा तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं या कार्य करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि जो पहली पीडियाट्रिक नर्स थी यानी कि जो पीडियाट्रिक यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो पहली जो चाइल्ड हेल्थ नर्स थी उसका नाम क्या था? उनका नाम था सर अब्राहम जैकोब था। और इसमें आगे हमें पढ़ना है सबसे पहले कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करें, ग्रोथ का मतलब होता है शरीर के आकार यानी साइज और वजन यानी वेट का बढ़ना या विकास होना। ग्रोथ क्या है आपका? जब आपका कोई भी शारीरिक तौर पर विकास होता है, फिजिकल पैरामीटर बढ़ता है, तो वो ग्रोथ के अंदर आता है। अब हम अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है शिशु का मानसिक विकास। और मानसिक विकास का तात्पर्य यहाँ ये है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है यानी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इसके अंदर आती है। अब हम सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ग्रोथ का पहला भाग है आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। इंट्रा का मतलब होता अंदर और यूट्राइन का मतलब होता गर्भाशय। जब गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास हो तो उसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा यूट्राइन की। एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब होता है कि जब जो शिशु है यानी जो आपका फीटस है, भ्रूण है, वो आउटर वर्ल्ड में आ जाता है। मतलब क्या है, बाहरी दुनिया में जब उसका आगमन होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। अब हम बात करें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया आपका टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है उत्तक। तो उत्तक के स्तर पर क्या विकास होता है? स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? आपका जो ढांचागत विकास होता है, जो आपका ढांचा है शरीर का, उसके अंदर क्या क्या विकास हो रहा है। अब एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ की बात करें तो एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ का मतलब क्या है कि शरीर जो है मदर के गर्भाशय से बाहर आने के बाद जो शरीर का विकास है वो। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ हार्मोन और T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपके ग्रोथ हार्मोन होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट और T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन होता है आपका थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट, T3 T4 जिसको हम बोलते हैं। ये हार्मोन का काम क्या है? शरीर का विकास करवाना, शरीर को बढ़त देना। अब आगे दूसरा अगर हम बिंदु की बात करें तो प्यूबर्टी के समय स्टीरॉइड्स का स्त्रावित होना। प्यूबर्टी किसको बोला जाता है? जब एक बच्चा वयस्क स्थिति में आता है, जब उसके जो है प्रजनन अंग जो हैं वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। और प्यूबर्टी के समय पे क्या स्रोत होते हैं, क्या सीक्रेट होते हैं? हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और वो हार्मोन किस प्रकार के होते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टीरॉइड हार्मोन्स। हमारे दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉइड्स हार्मोन, तो वो आपके स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। अब तीसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण तत्व की अगर हम बात करें तो इंसुलिन तथा IGF इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ फैक्टर IGF का
तात्पर्य है आपका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का स्त्रावित होना। अब स्त्रावित का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है, सीक्रीशन होना, और हिंदी में मतलब स्त्रावित होना। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि मुख्य तौर पर एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ में IGF यानी जो आपका ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का योगदान ना के बराबर होता है, परंतु इंट्रायूट्राइन में इसका महत्वपूर्ण योगदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ फैक्टर है। तो एक्स्ट्रायूट्राइन में यह ज़्यादा तौर पर प्रभावित नहीं करता जितना कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ में प्रभावित करता है। अब अगर उसके बाद देखें कि इसका समय काल यानी पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों का ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो कितना होता है। अब बोले जी ग्रोथ और डेवलपमेंट के समय की अवधि है उसको हम बांटते हैं तीन भागों में। बोले जी तीन भागों में कैसे, प्रीनेटल पीरियड, पेरिनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड। अच्छा जी प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, अगर हम प्रीनेटल पीरियड की बात करें तो आपका प्रीनेटल पीरियड जो होता है आपका गर्भाशय के समय का जो पीरियड होता है, जब क्या है, जब तक कि बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक का समय होता है। अब प्रीनेटल पीरियड को फिर से तीन भागों में बांटा जाता है। बोले अच्छा तो कितने भागों में बांटेंगे हम बांटेंगे इसको तीन भागों में, जैसे कि जायगोट, एम्ब्रियो और फेटस। जायगोट क्या होता है, अजी जायगोट वो होता है जब जो क्या है मेल और फीमेल जो आपके जर्मिनेशन सेल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो कि जिनके अंदर क्षमता है कि वो पूरे के पूरे शरीर का निर्माण कर सकती हैं। तो जायगोट का क्या है, जब मेल का आपका स्पर्म और फीमेल का आपका ओवम दोनों का मिलान होता है तो उस समय पे जो सेल बनती है उसको हम जायगोट की स्थिति में रखते हैं। और इसका जो समय काल होता है जीरो से लेकर, जीरो का मतलब जिस दिन फ्यूजन हुआ है, जिस दिन उनकी मिलान हुआ है, वहां से लेकर 14 दिन और 14 दिन यानी 2 सप्ताह तक का समय होता है। ये 14 दिन 2 सप्ताह का मतलब क्या है, 14 दिन का मतलब क्या है, डेज में अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 14 डेज यानी 14 दिन आता है, अगर इसको सप्ताह यानी वीक्स में बदला जाता है तो 2 वीक आता है। अब बात करें एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो का मतलब क्या है, जब उसके शरीर का विकास शुरू होता है, मतलब हार्ट बनता है, फिर आपकी उंगलियां बनती हैं, हाथ बनते हैं, नाक बनता है, आंखें बनती हैं, पूरा चेहरा बनता है, तो वो जो सारे का सारा समय काल है वो आपका 14 दिन से लेकर के 8 सप्ताह तक का, 14 दिन से लेकर के 8 सप्ताह तक का हो सकता है। इधर ये वाली बात नहीं है, यहाँ पे 14 डेज और 2 वीक का बात है, यहाँ पे क्या 14 दिन और 8 सप्ताह की बात है। अब उसके बाद है फिटस, फिटस कब शुरू होता है, फिटस अब पूरे के पूरे शरीर की डेवलपमेंट जो होगी। एम्ब्रियो में क्या था कि थोड़ा थोड़ा आपका जो है फ्यूजन होना स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है, पूरे के पूरे शरीर का निर्माण होता है वो आपका क्या होता है, ये माफ कीजिएगा, आपका 9 सप्ताह से लेकर के जन्म तक का होता है, यानी 9 वीक से लेकर के आपका टिल बर्थ तक का होता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद है आपका, अगर हम प्रीनेटल पीरियड की बात करें तो प्रीनेटल पीरियड यानी जो आपका 22वें सप्ताह से लेकर के जन्म के 7 दिन के बाद तक का समय होता है, और ये समय निर्धारण किया है WHO ने, तो WHO के अनुसार 22वें सप्ताह से लेकर जन्म के 7 दिन बाद तक का जो समय है वो आपका प्रीनेटल पीरियड होता है। अब बात कीजिए जी पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है, पोस्टनेटल पीरियड का तात्पर्य है कि पोस्टनेटल को हम मुख्यतः 6 चरणों में बांट सकते हैं। 6 चरणों में जी कैसे बांटेंगे, पहले जब जन्म हो गया तो उसको हमने बोला न्यूबोर्न या फिर नियोनेट यानी नवजात शिशु। नियोनेट के बाद वो बनता है इन्फेंट,
इन्फेंट के बाद बनता वो टोडलर, टोडलर के बाद बनता प्री स्कूलर, और उसके बाद बनता स्कूल एज चाइल्ड, और फिर एडोलोसेंस चाइल्ड। अब न्यूनेट मुख्यतः किसको बोला जाता है? न्यूनेट के अंदर जी जन्म के पश्चात जीवन के प्रथम 4 सप्ताह यानी 4 वीक्स, और दिन में बात करें तो कितना, 28 दिन, क्योंकि एक वीक के अंदर कितने यानी एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, बोले जी 7 दिन। अब 7 दिन होते हैं तो 4 सप्ताह के अंदर कितने दिन हुए, बोले जी 28 दिन। मैं बोले वेरी गुड। अब उसके बाद अगर बात करें कि नियोनेट तो मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? एक को हम बोलते हैं अर्ली नियोनेट पीरियड और दूसरे को बोलते हैं लेट नियोनेट पीरियड। बोले जी वो तो बात ठीक है, लेकिन अर्ली नियोनेट पीरियड क्या होता है? अर्ली नियोनेट पीरियड वो होता है बेटा जब जीवन का प्रथम सप्ताह यानी 7 दिन तक का जो समय होता है उसको हम रखते हैं अर्ली नियोनेट पीरियड के अंदर। अब बोले जी वो तो बात ठीक है, पर लेट नियोनेट पीरियड क्या होता है? अब लेट नियोनेट पीरियड किसको बोला जाता है बेटा जी? जब 7 दिन से लेकर के 28 दिन तक का समय होता है, 7 दिन यानी एक सप्ताह से लेकर के 28 दिन यानी कितने कितने वीक हो गए, 4 वीक। 7 दिन से लेकर के 28 दिन यानी एक से लेकर के 4 वीक तक का समय, 7 दिन के बाद का जो समय हो गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, लेट नियोनेट। बेटा एग्जामिनर जो है यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। हम बोले जी अच्छा कैसे पूछेगा? ऐसे पूछ सकता है बेटा आपको दिन ना दे करके वीक दे दिए जाए। एक वीक से पहले अर्ली नियोनेट और एक वीक के बाद 28 दिन, 28 दिन यानी 4 वीक है ना, 7, 4 वीक बने ना, तो 7 दिन से लेकर 28 दिन तक का समय होगा। अब बात करते हैं बेटा इन्फेंट के। इन्फेंट जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था जीवन का प्रथम वर्ष जब बच्चा 1 साल तक का होता है तो उस जीवन काल को हम किसमें इंक्लूड करेंगे, इन्फेंट के अंदर। उसके बाद आ गया आपका टोडलर। टोडलर का मतलब क्या है? जब बच्चा 1 से 3 वर्ष तक का होगा। 1 साल तक का क्या हुआ था, इन्फेंट हुआ था, 1 से 3 वर्ष तक का फिर क्या होगा, टोडलर होगा, जिसके अंदर वो खाना पीना सीखता है ना, अपना जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको एक्सक्रीट आउट करना सीखता है, यूरिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। प्री स्कूलर, प्री स्कूलर बच्चा कौन सा होता है, जब स्कूल में जाने से पहले का समय, बड़ा अच्छा समय होता है ना, 3 से 6 वर्ष तक का, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड, बचपन का प्रथम, बचपन से पहले का समय 3 से 6 वर्ष तक का। उसके बाद स्कूल एज चाइल्ड यानी मिडिल चाइल्डहुड किसको बोला जाता है, जब बच्चे स्कूल में जाने लग जाते हैं। अब 6 से 10 वर्ष लड़कियों के लिए होता है, 6 से 12 वर्ष लड़कों के लिए, लेकिन आज तक आजकल क्या है कि 4 वर्ष के बाद, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष या 4 वर्ष के बाद क्या है, स्कूल में भेजना शुरू कर देते। बाकी स्कूल एज जो प्री स्कूलर मतलब नर्सरी वगैरह के बच्चे होंगे उनको हम प्री स्कूलर में रखते हैं। उसके बाद जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो बच्चे जो हो गए आपके 10 वर्ष तक के बच्चों को हम किस में रखेंगे, स्कूल एज चाइल्ड यानी मिडिल चाइल्डहुड के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एडोलोसेंस की। एडोलोसेंस का बेटा समय होता है 13 से लेकर 18 वर्ष तक का। बोलेगी अच्छा 13 से 18 वर्ष, हाँ जी 13 से 18 वर्ष। इसको भी मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका प्री प्यूबिसेंट। प्री प्यूबिसेंट को हमने बोला कि लेट चाइल्डहुड होता है। अच्छा जी अर्ली चाइल्डहुड किस में था, प्री स्कूलर में। अच्छा मिडिल चाइल्डहुड किस में था, स्कूल एज चाइल्ड में। और तो बाद में जो लेट कहाँ गया, लेट आ गया आपका एडोलोसेंस का भी प्री प्यूबिसेंट फेस, उसको हमने क्या बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड। अच्छा जी इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेटा 10 से 12 वर्ष लड़कियों के लिए होता है और 12 से 14 वर्ष लड़कों के लिए। जब आपके जो हार्मोन, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो हार्मोन स्टीरॉइड वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब ऐसा होता है तो आपके जो बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है
जो आपके प्रजनन अंग है वहाँ पर बालों की ग्रोथ होती है, ठीक है, प्रजनन अंगों के अंदर विकास होता है, जो आपकी जर्म सेल है जिनसे कि पूरी बॉडी जो है विकसित हो सकती है, आपकी सेक्सुअल, जैसे कि मेल के अंदर आपका स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है, तो उनका विकास भी शुरू हो जाता है। और इसी पीरियड के बाद आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है लड़कियों के अंदर, और आपका स्पर्म का विकास शुरू होता है लड़कों के अंदर। तो उसके बाद क्या है, प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट को हम रखते हैं बेटा लड़कियों के लिए, प्यूबिसेंट है यहाँ पे 10 से 12 वर्ष लड़कियों के लिए। अच्छा बोले जी, अच्छा प्री प्यूबिसेंट और प्यूबिसेंट दोनों के अंदर सेम एज, दोनों के अंदर सेम एज इसीलिए है बेटा कि किसी के अंदर आपका प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स हैं वो 10 से 12 वर्ष में ना आए, 12 से 13 वर्ष भी लग सकती हैं, लेकिन यहाँ पे प्यूबिसेंट में यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे कि 12 से 13 वर्ष तक की जो लड़कियाँ हैं उनको प्यूबिसेंट के अंदर 13 वर्ष तक, हाँ 12 से 13 वर्ष तक लड़कियों के लिए रखते हैं। उसके बाद बोले अच्छा फिर लड़कों के लिए क्या एज होगी, लड़कों के लिए इधर भी आपने क्या लिखा था 12 से 14 वर्ष, लेकिन यहाँ पे 14 से आप रख सकते 15 या 16 वर्ष लड़कों के लिए रख सकते हैं। अब बोले कि अच्छा यहाँ पे हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, 12 से 14 वर्ष आपका यहाँ नहीं आएगा, आपका 14 से 16 वर्ष आ सकता है लड़कों के लिए। अब पोस्ट प्यूबिसेंट की हम बात करें तो 14 से 18 वर्ष किसके लिए, लड़कियों के लिए, जब लड़कियों का यौवन अवस्था होती है तो उसको क्या बोला जाता है, 14 से 18 टीनेजर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे 14, 15, 16, 17 जहाँ पे टीन लग जाता है वो आपका पोस्ट प्यूबिसेंट पीरियड में आ जाता है, जब सारे अंगों का विकास हो चुका होता है 18 वर्ष तक संपूर्ण तरीके से। उसके बाद क्या है, 16 से 20 वर्ष किसके लिए होता है, लड़कों के लिए। अब आइए जानते हैं कि फिजिकल ग्रोथ क्या हो चीज होती है। फिजिकल ग्रोथ जैसा कि हमने ऊपर बात करी थी कि शरीर के जो फिजिकल पैरामीटर हैं जो आपके शरीर के विकास के बारे में बताते हैं कि विकास हुआ भी है कि नहीं हुआ है, वो आपके फिजिकल ग्रोथ होती है, और वहाँ पे पैरामीटर्स आपके जो है रखे जाते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, आपके वजन होती है, दूसरी लंबाई होती है, तीसरा सिर तथा छाती का माप होता है, हम जहाँ बेसिक जो हम बात करते हैं। अब अगर हम वजन की बात करें तो वजन आपका देखो 2 गुना कितने में होता है, जब आपका, जब क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद उसका वजन बढ़ना शुरू होता है, तो जन्म के पश्चात 2 गुना वजन कितने समय में होता है, अगर प्रश्न ये आता है तो आप क्या लिखेंगे, 5 से 6 महीने में। अगर प्रश्न ये पूछा जाता, अच्छा जी 2 गुना छोड़िए, आप 3 गुना बताइए हमें कि जन्म से लेकर के जब वजन बढ़ना शुरू होता है तो 3 गुना कब होगा, तो बोले जी अच्छा तो हम बताएंगे जी 1 वर्ष। उसके बाद बोले जी ठीक है तो 4 गुना बताओ, अब 4 गुना जी 2 वर्ष में, बोले जी अच्छा तो फिर 5 गुना बताइए, तो 5 गुना बेटा 3 वर्ष में, फिर बोले आप अच्छा आप छोड़िए आप सीधा 10 गुना बताइए, तो 10 गुना बेटा एज के अनुसार हो जाएगा आपका, यानी उम्र के अनुसार होगा 10 वर्ष। बोले अच्छा, फिर दिमाग में गड़बड़ घोटाला चलता है, गड़बड़ घोटाला क्या चलेगा कि अच्छा ये निकालते कैसे हैं, तो निकालेंगे कैसे, अब उसके लिए भी इसमें क्या होता है आपका एक फॉर्मूला, यानी हिंदी में बात करें तो सूत्र होता है, शरीर को का वजन निकालने का सूत्र। 3 महीने से 2 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो उसको, बच्चों के लिए क्या होता है, जितनी उसकी उम्र है वो उम्र किस में होनी चाहिए, महीनों के अंदर, जमा में यानी प्लस में कितना होगा, 9, और उसका बटे में कितना होगा, 2, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, एज इन मंथ्स प्लस 9 पाई में 2। अब अगर हम बात करें कि अच्छा ये तो 3 महीने से 2 वर्ष तक का ही हुआ, अगर 2 वर्ष से ऊपर का हो तो बच्चा फिर कैसे करेंगे, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो उसमें क्या निकालते हैं हम, उम्र गुणा 2 जमा 8। अच्छा बोले ठीक है, फिर 7 वर्ष से 12 वर्ष का अगर बच्चा हो तो उसके लिए क्या आयु प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रयोग करेंगे बेटा उम्र प्लस 7 घटा 5 बटे 2।
तो ये कुछ सूत्र हैं आपके जो उम्र के अनुसार पूछे जाते हैं कि किस उम्र में कौन से सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अब जी वो तो ठीक है, लेकिन जो है हम मापते कैसे हैं, कौन सा यंत्र होता है, कौन सी मशीन होती है जिसके द्वारा मापा जाता है। अब देखिए, वजन मापने के लिए विद्युत चलित मशीन यानी इलेक्ट्रिकल मशीन्स आती हैं, जो आजकल आती हैं, एडल्ट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एक मापदंड होता है आपका सेल्टर स्केल, जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, वजन के लिए। बोले अच्छा, मैं क्या, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं लंबाई की, बोले अच्छा। लंबाई इसमें भी सेम वही चीज़ें होती हैं कि एक वर्ष में, जन्म से लेकर एक वर्ष तक बच्चा कितने का होता है। देखो, पैदा होता है, नया होता है, उस नवजात होता है, उस समय पर 45 सेंटीमीटर जो है एक नवजात शिशु की क्या लंबाई होती है, लेकिन उसके बाद कितनी होती है। बोले जी एक वर्ष में हो जाएगी आपकी 75 सेंटीमीटर, बढ़ गई ना। अब बोले कि ठीक है, फिर दो वर्ष में कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी। बोले 85 सेंटीमीटर। बोले अच्छा, फिर चार वर्ष में बताइए कितनी होगी, तीन वर्ष में आपकी कितनी हुई थी, 85, ठीक है, सॉरी, दो वर्ष में आपकी होगी 85 और तीन वर्ष में बोले कितनी होगी, तो बोले 95 सेंटीमीटर होगी। अब बात करें चार वर्ष की, बोले जी चार वर्ष में कितनी होगी, तो मैं बोलूँगी बेटा 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोले अच्छा, 100 सेंटीमीटर कैसे, जन्म से दो गुना होगी। अब ये बात करें कि जन्म से तीन गुना कब होगी, जन्म से तीन गुना होती है बेटा 13 वर्ष के अंदर। बोले अच्छा, मैं क्या, जी हाँ, 13 वर्ष यानी तीन गुना यानी 150 सेंटीमीटर तक होगी। बोले अच्छा, फिर बोले जी वो तो बात ठीक है, लेकिन लंबाई ज्ञात करने का सूत्र बताइए क्या होता है। मैं बोले बेटा 2 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है उम्र वर्षों में गुणा 6 जमा 77 सेंटीमीटर। बोले अच्छा, ये बात है। मैं बोले जी हाँ। अब यह है कि बोले जी यंत्र कौन सा होता है, कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या है लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा स्टाइडोमीटर से। स्टाइडोमीटर आपका होता है जो लंबाई ज्ञात करने के काम में आता है। बोले अच्छा, मैं क्या जी हाँ। अब उसके बाद अगला चीज क्या होती है, सिर का माप यानी हेड का सरकमफ्रेंस। आपका जन्म के समय होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। बोले अच्छा, ये तो ठीक है। बोले जी आगे कैसे बढ़ेगा, आगे हम बताते हैं। 3 महीनों पर क्या होता है आपका 40 सेंटीमीटर। 3 महीने पर कितना होता है 40 सेंटीमीटर। 12 महीने पर कितना होता है 45 सेंटीमीटर। और 2 साल पर कितना होता है 48 सेंटीमीटर। बोले अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं क्या जी बिल्कुल बढ़िया है। अब सिर के माप बढ़ने की दर क्या होती है। अब प्रथम 3 महीने में 2 सेंटीमीटर प्रति महीना के हिसाब से बढ़ता है। मान लो कितना था सिर का सरकमफ्रेंस, 33 से 35 सेंटीमीटर में से कुछ भी था। अब 33 से 35 सेंटीमीटर में से था, तो हमारा यह क्या करा, प्रथम 3 महीने, पहले 3 महीनों में कितना होगा, मान लो 33 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर प्रति महीने के हिसाब से बढ़ता है। तो 3 महीने में कितना हो जाना चाहिए उस हिसाब से, 33 में कितने जोड़ेंगे हम, 3 महीने की बात करें ना, तो 2 + 3 = 6, तो 6 सेंटीमीटर और जोड़ दो, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा, 33 और 3 कितना हुआ 39 सेंटीमीटर। तो हमने औसत क्या रखा, 40 सेंटीमीटर रखा। ठीक उसी तरीके से अगर हम 12 महीने की बात करें, तो 4 से 6 महीने पर दर कितनी हो जाती है, 1 सेंटीमीटर प्रति महीने की दर हो जाती है। और उसके बाद अगर हम नोट करने वाली बात देखें, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि छाती का जो माप होता है जन्म के समय 30 से 33 सेंटीमीटर होता है, परंतु एक वर्ष के ऊपर सिर तथा छाती का जो माप होता है वो समान हो जाता है। बोले अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं क्या जी बिल्कुल है। फिर अब यह कि भी अच्छा, सिर और छाती का माप ज्ञात कैसे किया जाता है। मैं बोले बेटा टेप होती है एक। बोला कौन सी टेप। बोले जी साकिर टेप बोला जाता है, जिससे क्या मापा जाता है आपका सिर का और छाती का सरकमफ्रेंस, यानी उसका जो क्या है पूरे का पूरा
वाट मापा जाता है कि कितने सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद कल बोले कि जी ये तो अच्छी बात है, फिर क्या है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लगातार जो है स्टेप में बांटा जाता है, ठीक है, ये डायनामिक प्रोसेस होती है। ग्रोथ हमेशा प्रोक्सिमोडेटल होती है। इसका प्रोक्सिमोडेटल का मतलब क्या है, शरीर का हाथ पैरों से अंदर की तरफ विकास होना, ठीक है। और डेवलपमेंट आपके हमेशा सेफेलोकैडुअल होती है, अर्थात हील टू टो, सॉरी हेड टू टो आएगा बेटा, ये हीट हेड नहीं आएगा, हेड आएगा, हेड टू टो सिर से पैरों तक आएगा। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं आपकी। आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम, क्योंकि आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब दोबारा से हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या पढ़ा कि ग्रोथ कितने प्रकार की होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। अब हमने ग्रोथ को भागों में बांटा, इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। फिर हमने इनके पढ़ा कि एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ क्या होता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वजन कितना होता है, बच्चे का लंबाई कितनी होती है और उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है। ये सब बेटा हम पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने फर्स्ट चैप्टर में। आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे हम जो सेकंड में पढ़ेंगे आपका अबगोर स्कोर वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, पूरी कक्षा लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।